गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं कक्षा 11वीं के लिए जो वीडियो बनाने वाला हूं वो इससे पूर्व जो मैंने आपको त्रुटियों के बारे में पढ़ाया था उससे संबंधित है। उस वीडियो में हमने जो त्रुटियां थी उनका जो बेसिक नॉलेज था उसको गेन किया था। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हम यह समझ चुके हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो कमियां रह जाती हैं या जो गलतियां हो जाती हैं उन्हें हम त्रुटि कहते हैं, और जो त्रुटियां होती हैं उन्हें हम किस तरीके से निरूपित करते हैं या उनको एक्सप्रेस करने का कौन सा तरीका है, वो सब मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि है वह अलग अलग भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है। जैसे हम क्षेत्रफल की बात करें तो जो क्षेत्रफल है वह लंबाई गुणा गया चौड़ाई, यानी कि उसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अब मान लीजिए जब हमने लंबाई का मापन किया तब भी हमसे गलती हो गई, जब हमने चौड़ाई का मापन किया तब भी हमसे गलती हो गई, तो जो क्षेत्रफल होगा उसके मापन में कितनी गलती होगी? तो इसे हम कहते हैं संयुक्त त्रुटि, यानी कि भौतिक राशि जो अलग अलग भौतिक राशियों से मिलकर बनी है उसमें कितनी त्रुटि होगी वह उन अलग अलग भौतिक राशियों की त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी। तो चलिए एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके द्वारा यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भौतिक राशि में जो त्रुटि है वह किस तरीके से ज्ञात की जाएगी यदि वह एक से ज्यादा भौतिक राशियों के कॉम्बिनेशन में है, यानी कि संयुक्त रूप में है। तो मान लीजिए एक भौतिक राशि एक्स है जिसे हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पहली भौतिक राशि एक्स है वह दो भौतिक राशियों पी और क्यू के प्लस में है, इस तरीके से उसे एक्सप्रेस किया जाता है। दूसरी भौतिक राशि है वाई, वह पी माइनस क्यू फॉर्म में है। तो यहां पर देखिए पहली भौतिक राशि पी है, दूसरी भौतिक राशि क्यू है, और इस तरीके से वाई भौतिक राशि बनती है। एक भौतिक राशि हमारे पास जेड है जो कि पी वाई क्यू फॉर्म में है, और एक भौतिक राशि हमारे पास यू है जो कि पी क्रॉस क्यू, यानी कि इस तरीके से चार भौतिक राशियों को मैंने यहां पर एक्सप्रेस कर दिया है। हम जितने भी तरीके से जो भी भौतिक राशियां लिखते हैं जो त्रुटियों का आंकलन है यानी कि त्रुटियों की जो गणना करने का तरीका है वह एक जैसा ही होगा। अब यहां देखिए जो पहली भौतिक राशि है यहां इसके मापन में हमसे गलती हो जाती है, यानी कि जब हम पी का मापन कर रहे थे तो हमसे गलती हो जाती है, क्यू के मापन में भी गलती हो जाती है। तो यहां आपको प्लस का साइन दिख रहा, आप कहेंगे कि ठीक है दोनों गलतियां हुई है उनको जोड़ दीजिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहां वाई है, वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू है, यहां पी के मापन में भी त्रुटि हुई क्यू के मापन में भी त्रुटि हुई। अब आप कहेंगे कि पी माइनस क्यू है तो पहली त्रुटि से दूसरी त्रुटि कैंसिल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपने पहली बार गलती की दूसरी बार गलती की तो गलती तो डबल हुई ना, गलती कैसे माइनस हो जाएगी, तो यहां पर भी त्रुटियों का योग होगा। इसी प्रकार से चाहे वो भाग है चाहे गुणा है, जितनी भी भौतिक राशियां हैं यदि उनके मेजरमेंट में हमसे त्रुटियां हो रही हैं तो वो त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी। सरल शब्दों में आप इस तरीके से समझिए कि यदि आपसे त्रुटि हो रही है और जितनी बार हो रही है वो त्रुटियां जुड़ जाएंगी। यहां पर एक सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आयतन बराबर होता है, यहां पर मैं आयतन ले रहा हूं किसी घन का, तो घन का जो आयतन होता है उसकी भुजा, कोई भुजा है उसको मैं एल से दिखा रहा हूं, उसके क्यूब के बराबर, यानी कि घन का आयतन बराबर लंबाई का क्यूब हो गया। अब यहां पर क्या होगा, हमसे लंबाई के मापन में त्रुटि हो गई, तो त्रुटि हुई तो हम कहेंगे एक बार आएगी, नहीं, हमने भुजा को तीन बार गुणा किया है तो पहली बार की गलती भी एड होगी, दूसरी बार की गलती भी ऐड होगी और तीसरी बार की गलती भी ऐड होगी। तो यहां पर जो टोटल गलती होगी वो थ्री गुणा गया, और जो भी एल में हमारे से त्रुटि हुई है यानी कि हम यहां पर त्रुटि लिख देते हैं एल के मापन में, एल के मापन में जो त्रुटि है उसका तीन गुणा हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भौतिक राशि जितनी बार आएगी यदि उसके मापन में हमसे गलती हुई है तो आपको उसका गुणा करना है। तो आज का जो टॉपिक है उसे हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तरीका यह है कि हम ये जो चार ऑपरेशन मैंने लिखे हैं यानी कि प्लस के लिए, माइनस के लिए, डिवाइड के लिए और मल्टीपल के लिए,
इनके लिए आप व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी पूरी प्रोसेस कीजिए कि जो त्रुटियां हैं वो क्यों जुड़ती हैं, यानी कि इसमें भी मैं सिद्ध करूं कि त्रुटि जुड़ती है, इसमें भी सिद्ध करूं कि त्रुटि जुड़ती है, और इसी तरीके से इन दोनों में भी। हम यहां पर ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अधिकतर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं या जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो त्रुटियों से संबंधित सवाल आते हैं वो हमें डायरेक्ट करने होते हैं। आपको मैंने एक चीज बताई कि चाहे वह कोई भी ऑपरेशन हो, यानी कि ये इस तरीके के ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन हो, उन सब में आपको त्रुटि को जोड़ना है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, और उसके लिए मैंने कहा व्यवहारिक पक्ष आप अपनाइए कि यदि हमसे एक बार गलती हो रही है, दूसरी बार गलती हो रही, तीसरी बार, तो हर बार गलती हुई यानी कि सारी गलतियां क्या होंगी, हमारी ऐड हो जाएंगी। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि त्रुटियों का जो मापन है, यानी किसी भौतिक राशि में जो कुल त्रुटि होती है, वह उनसे बनी भौतिक राशियों की जो त्रुटियां हैं उनके योगफल के बराबर होती है। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। जो प्रश्न होगा उसे मैं बाद में वीडियो में एडिट कर दूंगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान यानी कि उनके मासेस जो है रेस्पेक्टिवली M1 इज इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.2 kg एंड M2 इज इक्वल्स टू 30 प्लस माइनस 0.4 kg है। दो वस्तुएं हैं, उनके द्रव्यमान आपको दिए गए हैं और उन दो वस्तुओं को हम संयुक्त कर रहे हैं और जो कुल द्रव्यमान है उसमें त्रुटि जानना चाहते हैं कि कुल कितनी त्रुटि हुई। तो देखिए ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, उनके द्रव्यमान हमें दिए हुए हैं, कुल द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो जो कुल द्रव्यमान होगा वह m इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब देखिए जो m1 है उसकी वैल्यू क्या है, 20 प्लस माइनस 0.2 प्लस यहां पर आएगा, फिर है 30 प्लस माइनस 0.4 और ये केजी में है, फिलहाल हम मात्रक नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए यहां पर आपको क्या करना है, जो ये 20 है 30 है इन्हें एक साथ लेना है, 20 प्लस 30 ये एक साथ आ गया। उसके बाद जो प्लस माइनस है उसे बीच में लिखना है और जो त्रुटियां हैं यानी कि पहले में त्रुटि थी 0.2 की, दूसरे में जो त्रुटि थी वह 0.4 केजी की थी, तो आप यहां पर लिखने वाले हैं 0.2 प्लस 0.4। उसके पश्चात यहां पर इसका योग कर दीजिए तो 50 हो गया, फिर प्लस माइनस यहां पर इन दोनों का योग कर दीजिए तो 0.6 हो गया और इतना केजी हो गया। तो यह क्वेश्चन केवल यहीं तक पूछा गया है कि जो कुल द्रव्यमान है उसमें कितनी त्रुटि होगी। तो जो कुल द्रव्यमान है उसमें 0.6 केजी की त्रुटि होगी। यदि यहां से आगे ये आपेक्षिक त्रुटि पूछता है, रिलेटिव त्रुटि पूछता है या परसेंटेज त्रुटि पूछता है तो आप कैसे करेंगे? तो जो आपेक्षिक त्रुटि होती है जिसे हम रिलेटिव एरर कहते हैं, उसका मान आपको इस तरीके से बताया था, ये डेल्टा एम है और ये एम है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.6 अपॉन 50। तो ये हो गई रिलेटिव एरर्स। उसके बाद यदि आपको परसेंटेज एरर भी फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो, यानी ये होता है फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको कल बताए थे, तो यहां पर आप यूज करेंगे तो 0.6 अपॉन 50 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया 5 से, ये 2 टाइम, और यहां पर आपके पास जो टोटल एरर है वह इसका मल्टीपल यानी 1.2% का हो जाएगा। तो जो संयुक्त द्रव्यमान है वस्तुओं के उनमें जो प्रतिशत त्रुटि हो रही है वह 1.2% की हो रही है और जो कुल त्रुटि है वह 0.6 केजी की हो रही है। तो यह पहला टाइप था जहां पर हमने क्वेश्चन को इस तरीके से किया, यानी कि हमने जो लिखा था x = p + q, ये उसी का एक एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जो दूसरा प्रश्न है वो इस तरीके से पूछा गया है कि एक वाटर बाथ है और उसके इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर, यानी कि जो प्रारंभिक तापमान है वो
15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस है और हमने उसे कुछ देर गर्म किया होगा, उसके बाद उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वह हो चुका है 40 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर हमें जो तापमान है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, यहां जो प्रश्न है वह यह पूछा जा रहा है कि तापमान में कितनी वृद्धि हुई है। तो जो तापमान में वृद्धि हुई है वह हम कैसे ज्ञात करेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। भाई पहले कितना था जब हमने मेजरमेंट किया और बाद में जब हमने उसको हीट दी, उस हीट को देने के बाद कितना टेम्परेचर हो गया, 40 प्लस माइनस 0.2। तो देखिए यहां पर जो टेम्परेचर से डेल्टा टी से मैं लिख रहा हूं, अब यहां पर मैं डेल्टा टी प्रयोग नहीं करूंगा, टी प्रयोग कर लेते हैं, तो टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो यहां पर वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो 40 प्लस माइनस 0.2 माइनस T1 15 प्लस माइनस 0.1 और ये हो गया आपके पास। अब जब इसको सॉल्व करें आप तो ध्यान से देखिए 40 माइनस आपको 15 लिखना है, लेकिन यहां पर आपको प्लस माइनस लिखना है और यहां जो एरर्स होंगे उसे आपको जोड़ना है ना कि घटाना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो एरर्स है मैंने आपको बताया था आपसे गलती हो रही है। क्वेश्चन में जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है वह माइनस में है, लेकिन आपसे जो मेजरमेंट है उसमें मिस्टेक हो रही है, तो मिस्टेक जुड़ जाएंगी। तो यहां पर आपको ऐड करना है, यहां पर प्लस माइनस रखना है और जो पहला स्टेप है उसमें आपको माइनस करना है। तो देखिए ये आपको प्राप्त होगा 25, फिर प्लस माइनस और ये हो जाएगा 0.3 और डिग्री सेल्सियस। तो जो तापमान में वृद्धि हुई है उसमें कितना एरर आता है, उसमें आता है 0.3 डिग्री सेल्सियस का एरर। फिर से यदि आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो उसी प्रोसेस को आप दोबारा कीजिए, यानी कि आप यहां पर पहले रिलेटिव निकालेंगे, रिलेटिव के लिए 0.3/25 हो जाएगा, उसके बाद यदि आपको परसेंटेज निकालना है तो इनटू आप यहां पर 100 कर देंगे। तो देखिए इससे ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 4 से जब आप इसको मल्टीपल करेंगे तो 1.2% का यहां पे एरर प्राप्त होगा। ये मजेदार बात है कि सारे क्वेश्चन में 1.2 का ही एरर आ रहा है, तो ये कोइंसाइड है। यहां पर देखिए ये प्रोसेस आपको इस तरीके से करनी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न यहां पर लेते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। फिजिक्स और मैथ्स, मैं बार बार कहता हूं ये दोनों सब्जेक्ट सबसे इजी भी हैं और सबसे टफ भी हैं। यदि आप समझदारी के साथ करते हैं तो ये बहुत ही इजी है। तो यहां पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर एक क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि हमें क्षेत्रफल में एरर फाइंड करने है, त्रुटि फाइंड करनी है, जबकि जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई में जो एरर है, यानी कि लंबाई में कितनी मिस्टेक है, 200 प्लस माइनस 5 मीटर, तो 5 मीटर का एरर आ रहा है लंबाई में, और जो चौड़ाई है वह 50 प्लस माइनस 2 मीटर है, यानी कि जब हम चौड़ाई का मापन करते हैं तो उसमें 2 मीटर की त्रुटि आ जाती है। अब हमें संयुक्त रूप से त्रुटि बतानी है एरिया में, क्षेत्रफल में। यदि ये फॉर्मूला ना भी दिया होता तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, हमें यह पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करें उसके लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि पहले आप इसमें प्रतिशत त्रुटि फाइंड कीजिए, एल में आपको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, फिर आप बी में भी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए और यह बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। देखिए जो L होगा, L में जो परसेंटेज एरर होगा, यहां पर मैंने लिख दिया है परसेंटेज एरर इन L, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपके पास त्रुटि है यानी डेल्टा L अपॉन L और इनटू क्या हो जाएगा 100। एक बार मैं फॉर्मूले का प्रयोग कर देता हूं, उसके बाद आप खुद ही इसको समझ जाइए कि किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो 5 अपॉन
200 और इनटू क्या हो जाएगा 100, ये कैंसिल और ये, तो यहां पर आपको कैलकुलेशन के बाद 2.5% यहां पर एरर मिलेगा, यहां पर आपको मात्रक यूज नहीं करना है। उसके बाद देखिए ऐसे ही आप फाइंड करेंगे परसेंटेज एरर इन बी, तो ये कितना हो जाएगा 2/50, फटाफट कर लेते हैं इसको, ये और ये कैंसिल, ये 2 टाइम, तो ये हो गया आपका 4%। तो यहां पर जो एरर आपको मिला है वह 4% का मिला हुआ है। आप कैलकुलेशन को बहुत केयरफुली करें। तो यहां पर देखिए जो टोटल एरर है, मैंने आपको बताया था कोई भौतिक राशि चाहिए अलग अलग भौतिक राशियों के गुणा में हो, भाग में हो, जोड़ में हो, घटाने में हो, आपको जो त्रुटियां हैं उन्हें हमेशा जोड़ना है। तो हम यहां पर लिखेंगे परसेंटेज एरर इन ए, इसका मतलब क्षेत्रफल में, एरिया में, इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर इन बी। तो देखिए इसमें कितना एरर था, 2.5 का था, और इसमें कितना था, 4 का था, तो ये 6.5% का एरर हो गया। तो जो क्षेत्रफल है उसमें 6.5% का एरर आ रहा है। बहुत इजी है क्वेश्चन करने, आपको केवल दिमाग का इस्तेमाल करना है। जब हम यहां पर एरर फाइंड कर रहे हैं एरिया में, तो उससे पहले हमने उसकी लंबाई में एरर कितना है वो फाइंड कर लिया, और उसके बाद चौड़ाई में कितना एरर है वो फाइंड कर लिया, और उन दोनों को जोड़ दिया, तो इजीली ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, जिसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप भौतिक विज्ञान पढ़ें तो एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नोटेशंस होते हैं, यानी कि किस भौतिक राशि के लिए हम क्या सिंबल प्रयोग करते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो यहां पर एम दिया है, वी दिया है। एम का अर्थ होता है मास, द्रव्यमान। वी का अर्थ है यहां पर वॉल्यूम, आयतन। तो देखिए जो मास है वह दिया है 20 ± 0.2 kg। इसका अर्थ यह हुआ कि 20 kg में 0.2 kg का एरर आता है, त्रुटि आती है। उसके बाद जो वॉल्यूम दिया है वह 10 ± 0.1 m³ दिया हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि वॉल्यूम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 0.1 m³ की मिस्टेक हमसे हो जाती है 10 m³ को मापने में। यहां पर जो क्वेश्चन है वो यह पूछा गया है कि जो डेंसिटी है, घनत्व है, उस घनत्व में कितना एरर होगा। तो सबसे पहले यहां पर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आपको घनत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो घनत्व को हम डी से भी दिखाते हैं और रो से भी दिखाते हैं, तो यहां पर मैं डी ही प्रयोग कर रहा हूं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मूले से यहां पर कोई लेना देना नहीं है, आपकी पहली भी मिस्टेक हो रही है, दूसरी भी मिस्टेक हो रही है। तो मैंने कहा एरर्स आपको जोड़ने हैं, डिवाइड नहीं करने हैं यहां पर, ना ही मल्टीपल करना है, एरर्स जो है ऐड होंगे। यहां पर जो डेरिवेशन है इनसे संबंधित वो मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन करना सीखे और यही आपके काम की चीज है। तो देखिए मास में सबसे पहले हम परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले वही करेंगे, परसेंटेज एरर इन एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.2/20। देखिए यहां पर मैं आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लगातार मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था। तो यहां पर ये देखिए 5 टाइम और 5 से मल्टीपल करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 1.0, यानी कि 1% का त्रुटि यहां पर हो रही है। नेक्स्ट है आपके पास परसेंटेज एरर इन वी, यानी कि वॉल्यूम में कितना एरर आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 0.1/10 और इनटू 100 करेंगे, ये 10 टाइम, तो ये भी 1.0% का एरर हमें प्राप्त हुआ। तो दोनों में हमने एरर फाइंड कर लिया है, मास में कर लिया है और वॉल्यूम में कर लिया है। तो जो संयुक्त एरर होगा, यानी कि डेंसिटी में कितना एरर होगा, तो उसके लिए मैंने आपको कहा था आप फॉर्मूला लिखिए परसेंटेज एरर इन डेंसिटी,
यहां पर ये पूरा लिख लेता हूं, यानी डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन एम प्लस परसेंटेज एरर इन वी, और दोनों को जोड़ दीजिए वन और वन, तो आपके पास 2.0% का एरर हो गया। तो जो डेंसिटी है उसमें 2.0 यानी कि 2% का एरर हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखिए एक और क्वेश्चन कर लिया। तो जो फोर ऑपरेशन थे, पहला ऑपरेशन था P प्लस Q टाइप, दूसरा था P माइनस Q टाइप, फिर था P इंटू Q टाइप और फिर था P अपॉन Q टाइप। वो चारों के चारों ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको करवा लिए हैं और लगभग सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से कर रहे हैं, सब में आपको एरर को जोड़ना है। अब चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पर जिनमें मिक्सिंग होगी, यानी कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। तो कोई भौतिक राशि एक कॉम्बिनेशन के साथ बनी है और उस कॉम्बिनेशन का हमें क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे, एक प्रश्न लेते हैं और फिर समझते हैं। यहां पर जो एरर्स मैं आपको बताने वाला हूं उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन न लेकर एक कॉमन क्वेश्चन ले रहा हूं, अपने तरीके से एक प्रश्न बना रहा हूं। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है P और वह इस तरीके से एक्सप्रेस की गई है, A टू पावर N है, B टू पावर M है और C टू पावर S है, D टू पावर R है। कुछ भी लिख दिया मैंने जो मेरे मन में आया और इस तरीके से एक्सप्रेस की गई है। हमें यहां पर जो P है, P में हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वह यह है कि जो P है, जो भौतिक राशि P है जिसको कि इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है इतनी भौतिक राशियों के टर्म में, उसमें परसेंटेज एरर हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके से करेंगे उसके लिए आप ध्यान रखिए, एक फॉर्मूले का प्रयोग हम करते हैं और वह फॉर्मूला वही है जो अब तक हम सीख रहे थे। सबसे पहले देखिए A को, मैंने आपको समझाया था कि A है n टाइम्स आया है, तो A के मेजरमेंट में यदि हमसे त्रुटि हुई है तो वो त्रुटि हमसे n टाइम हुई होगी, यानी कि n गुणा हुई होगी। तो यहां पर जो परसेंटेज एरर इन P है इज इक्वल्स टू होता है n इंटू परसेंटेज एरर इन A। बस इसी चीज एक को समझिए आप, A में हमसे एक बार गलती हुई, दो बार गलती हुई, तीन बार गलती हुई, कितने टाइम गलती हुई, एन टाइम गलती हुई। तो हम वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम जोड़ेंगे उसको। तो किसी चीज को मान लीजिए ए है, ए को मैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस और एन टाइम जोड़ रहा हूं, तो इसे हम सीधे एन इंटू ए लिखेंगे। अगर इस तरीके से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने एक बुक खरीदी 10 रुपए की, दूसरी भी खरीदी 10 रुपए की, तीसरी भी खरीदी 10 रुपए की, और इस तरीके से आपने जो है 10 बुक खरीद ली है और सारी 10 रुपए की है, पर आप जोड़ रहे हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, तो कोई औचित्य नहीं है। आप सीधे 10 × 10 करेंगे 100 आएगा, और आप 10 प्लस 10 प्लस करेंगे तब भी 100 आएगा। तो वही ये तरीका है n इंटू परसेंटेज एरर इन A। बाकी का भी इसी तरीके से आएगा, m इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस, यहां अपॉन से कुछ लेना देना नहीं है, आपको जोड़ना है, S इंटू परसेंटेज एरर इन C प्लस R इंटू परसेंटेज एरर इन D। तो जो P है उसमें कुल परसेंटेज एरर क्या होगा, उन सब का योगफल हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए जो प्रश्न है वो इस तरीके से दिया है, P इज इक्वल्स टू दिया है A टू पावर 3, देखिए N की जगह पे 3 आ गया है, B टू पावर 2, M की जगह पर 2 है, और अपॉन में लिखा है अंडर रूट सी डी। क्वेश्चन में आगे लिखा है जो परसेंटेज एरर है उसने हमें ऑलरेडी परसेंटेज एरर फाइंड कर लिए एंड D, इनमें परसेंटेज एरर दिए गए हैं आपको 1%, 3%, 4% और 2%। यहां पर मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, P इज इक्वल्स टू A टू पावर 3,
बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी डी, और उसके बाद हमारे पास जो ए बी सी फोर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें ऑलरेडी हमें परसेंटेज एरर दिया है। यदि ना दिया हो तो जो प्रोसेस अभी तक की हमने, यानी कि कैसे हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, वो आपको अपने दिमाग में रखना है। कई बार ऐसा होता है कि वह इंडिविजुअल जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उन्हें जिस तरीके से हम अभी तक लिख रहे थे उसी तरीके से लिख के दे देता है, और पहले आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना होता है। लेकिन यहां इसने परसेंटेज एरर ऑलरेडी दे दिया है। ज्यादातर ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो हम कहेंगे परसेंटेज एरर इन पी इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए 3 into परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 into परसेंटेज एरर इन बी प्लस, अब ध्यान दीजिए यहां पर अंडर रूट सी डी लिखा है। अंडर रूट का अर्थ क्या होता है, यहां पर देखिए सी डी 1/2, इसका अर्थ हुआ सी टू पावर 1/2 और डी टू पावर 1/2। बहुत बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये आपको आने चाहिए। अगर दिक्कत है तो इन पर आप जरूर वर्क कीजिए, क्योंकि भौतिक विज्ञान में मैंने अधिकतर यह देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मिस्टेक कैलकुलेशन के कारण होती है। तो यहां देखिए अब पावर 1/2 है, तो 1/2 इंटू, देखिए इसमें 4 है, पहले लिख लेते हैं परसेंटेज एरर इन सी प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन डी। तो 3 into पहले में 1 है तो 1 हो जाएगा प्लस 2 into दूसरे में 3 है तो 3 हो जाएगा प्लस 1/2, सी में 4 है तो 4 हो जाएगा प्लस 1/2 और इसमें 2 है तो यहां पर 2 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 6 और ये कैंसिल तो 2, ये कैंसिल तो 1, तो यहां पर आप देखिए ये हो गया 9, 10 और 12। तो यहां पर 12% की त्रुटि आ रही है पी के मापन में। तो जो क्वेश्चन दिया था बहुत इजी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है y इज इक्वल्स टू ए फोर बी स्क्वायर अपॉन सी डी टू पावर 4 और 1/2। ध्यान से देखें यहां पर आपके पास जो भौतिक राशि y दी गई है उसको फिर से 4 फिजिकल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस किया गया है। किस तरीके से एक्सप्रेस किया है वो मैंने यहां पर लिखा है। अब यहां क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी और डी में परसेंटेज एरर दिए हैं रिस्पेक्टिवली 2%, 3%, 4% और 5%, एक सिरे से दे रखे हैं। तो इस तरीके से एरर दिए गए हैं और आपको y में एरर बताना है, यानी टोटल एरर बताना है इस फिजिकल क्वांटिटी में। तो फिर से देखिए करते हैं जल्दी से, y परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 4 into परसेंटेज एरर, मैं यहां पे शॉर्ट में लिखता हूं a प्लस 2 into परसेंटेज एरर b प्लस यहां देखिए सी डी बाहर से 1/2, तो 1/2 परसेंटेज एरर इन सी प्लस इसे भी ध्यान से देखिए, देखिए क्या है सी 1/2 होगा, डी 4 है और 1/2 होगा, तो ये कट जाएगा यानी कि डी की पावर 2 बच रही है। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 into परसेंटेज एरर इन डी। अब आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए में कितना है 2% का है प्लस 2 into यहां पर देखिए बी में 3% का है प्लस 1/2 into 4% का है प्लस 2 into 5% का है 8, 6, 2 और प्लस 10, तो ये हो गया आपका 10, 10, 20, 26% का एरर इसमें यहां पर हमें मिल रहा है। तो कुल मिला के जो हमने एरर फाइंड किया वह 26% का हमें प्राप्त हो रहा है। तो फाइनली लगभग जितने भी टाइप थे, यानी कि 5 टाइप्स हमने यहां पे किए,
पहले फोर बेसिक ऑपरेशन थे प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड के, और एक ये संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें एरर्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है वो मैंने आपको बताया है। लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली इस टाइप के ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है आपको एरर्स फाइंड करने अब आ गए होंगे। आप और भी क्वेश्चंस को अपने तरीके से सॉल्व कीजिए, यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।